हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सर्कल मल्टीप्लाई ट्राइंगल इक्वल टू 21 और हमारे पास यहाँ पे सर्कल मल्टीप्लाई सर्कल इक्वल टू हमारे पास क्या है 9 और लास्ट में हमारे पास ट्राइंगल मल्टीप्लाई ट्राइंगल किसके इक्वल होगी, हमें ये चीज फाइंड करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बता सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बता सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें देखना होता है कि कहां हमारे पास सेम पिक्चर की कोई चीजें तो नहीं दिख रही हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास सर्कल सेम दिख रहे हैं और यहाँ पे ट्रायंगल सेम दिख रही है। अगर हम लास्ट वाले में देखें तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम पहले क्या करेंगे, सर्कल वाले को सॉल्व करेंगे। ये अगर आप देखोगे सर्कल मल्टीप्लाई सर्कल इक्वल किसके है हमारे पास 9 के, तो हम यहाँ क्या करेंगे 9 के फैक्टर निकालेंगे। तो 9 के फैक्टर जो होंगे हमारे पास क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसका हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर बनाएंगे जो होता है हमारे पास 3, यानी कि जो हमारे पास एक सर्कल है उसकी वैल्यू क्या होगी 3। 3 मल्टीप्लाई 3 होता है हमारे पास इक्वल 9 के। तो सर्कल की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि सर्कल और कहाँ पे है। आप देखोगे तो सर्कल यहाँ पे भी हमें सर्कल दिख रहा है, यानी कि सर्कल की भी वैल्यू क्या होगी 3। अब हमें यहाँ पे 3 में ऐसी चीज कुछ मल्टीप्लाई करनी है जो हमारे पास इक्वल किसके हो 21 के। अगर हम 3 मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं तो हमारे पास इक्वल होता है 21 के, यानी कि जो ट्रायंगल होगी उसकी क्या वैल्यू होगी हमारे पास 7 ट्रायंगल की वैल्यू होगी। अब हमें अंत में जाके इस क्वेश्चन में जो ट्रायंगल मल्टीप्लाई ट्रायंगल थे वहां पे हमें सॉल्व करना है। अब हमें ट्रायंगल की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 7। 7 मल्टीप्लाई 7 जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 49। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा 49। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही सॉल्व कर दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बता सकते हैं।